नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावी नदी के पानी को लेकर, जो भारत ने हाल ही में पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया है। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम होंगे, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर विवाद चलता रहता है। इनमें से एक मुद्दा है सिंधु नदी घाटी के पानी का बंटवारा। यह बंटवारा 1960 में विश्व बैंक की देखरेख में हुई सिंधु जल संधि के तहत हुआ था। इस संधि के अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान का पूरा अधिकार है, जबकि रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। लेकिन इस संधि में एक बात यह भी थी कि भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी देना है, जो कि एक निश्चित मात्रा में निर्धारित है। इसी के तहत भारत ने रावी नदी से पाकिस्तान को 1150 क्यूसेक पानी देने का वादा किया था। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि भारत ने इस पानी को देने के लिए कुछ शर्तें भी रखी थी। उनमें से एक शर्त यह थी कि भारत को इस पानी का उपयोग अपने लिए करने का भी अधिकार है, जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, नाविकरण आदि। इसके लिए भारत ने रावी नदी पर कई बांध और बैराज बनाने की योजना बनाई। इनमें से एक बांध है शाहपुर कंडी बांध, जो पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। यह बांध रावी नदी के पानी को रोकने और उसका उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस बांध से न केवल पंजाब बल्कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान को भी फायदा होगा। इस बांध से लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और 206 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। इसके अलावा इस बांध से भारत को रावी नदी के पानी का अधिक से अधिक उपयोग करने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान को उसका कम से कम देना पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर भारत ने इतने सालों तक इस बांध का निर्माण क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि इस बांध का निर्माण करने के लिए पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद था। पंजाब ने कहा था कि इस बांध से उसे रावी नदी के पानी का अधिकांश हिस्सा मिलेगा, जबकि राजस्थान ने कहा था कि इससे उसे रावी नदी के पानी का न्यूनतम हिस्सा मिलेगा। इस विवाद को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने 1981 में एक अधिनियम पारित किया, जिसमें रावी नदी के पानी का बंटवारा दोनों राज्यों के बीच निर्धारित किया गया। लेकिन पंजाब ने इस अधिनियम को मानने से इनकार कर दिया और इसे अपने राज्य के हितों के विरुद्ध बताया। इसके बाद इस मुद्दे पर कई बार आपसी बातचीत और न्यायिक याचिका हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दूसरा कारण है कि इस बांध का निर्माण करने से पाकिस्तान को भी आपत्ति थी। पाकिस्तान ने कहा था कि इस बांध से उसे रावी नदी के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जो कि उसके कृषि और बिजली के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि इस बांध से भारत को रावी नदी के पानी पर अधिक नियंत्रण मिलेगा, जो कि उसके लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को सिंधु जल संधि के तहत विश्व बैंक के सामने लाया और उसने भारत से इस बांध का निर्माण रोकने की मांग की, लेकिन विश्व बैंक ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दिया और दोनों देशों को आपस में बातचीत करने की सलाह दी। तीसरा कारण है कि इस बांध का निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे और समय की जरूरत थी। इस बांध की लागत करीब 2700 करोड़ रुपए की अनुमानित है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। इसके अलावा इस बांध का निर्माण करने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा, जो कि बहुत लंबा समय है। इस बांध का निर्माण करने के लिए भारत को अपने अन्य विकास कार्यों को कम करना पड़ सकता है, जो कि उसके लिए अनुकूल नहीं है। इन सभी कारणों के कारण भारत ने इतने सालों तक इस बांध का निर्माण नहीं किया। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का इरादा रखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बांध की नींव रखने का शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा है कि इस बांध से भारत को बहुत फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बांध से भारत ने पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया है और उसे अपने लिए उपयोग करेगा।
दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों पर गहरा असर डालेगा। पाकिस्तान ने इस फैसले को बहुत तेजी से आलोचना किया है और उसने भारत को इस बांध का निर्माण रोकने के लिए दबाव डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इस बांध से उसके लिए जल संकट का खतरा बढ़ जाएगा और उसके करोड़ों लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को फिर से विश्व बैंक के सामने लाने की बात कही है और उसने भारत को इस बांध को रोकने के लिए आग्रह किया है, लेकिन भारत ने इस आग्रह को नकारते हुए अपने फैसले पर कायम रहा है। भारत ने कहा है कि इस बांध से वह किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं कर रहा है और वह सिंधु जल संधि के अनुसार ही अपना अधिकार जता रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि इस बांध से वह अपने जल संसाधन का बेहतर उपयोग करेगा और अपने लोगों को जल सुरक्षा दिलाएगा। भारत ने पाकिस्तान को इस बांध को एक विकास परियोजना के रूप में देखने की सलाह दी है और उसे इसके साथ सहयोग करने का आमंत्रण दिया है।